बात करता हूँ दोस्तों। दोस्तों आज की तारीख 4 सितंबर है दोस्तों, दान चार्ज के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए दोस्तों। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। तो आज की अच्छे थॉट के साथ अब हमारा करंट अफेयर्स शुरू करते हैं दोस्तों। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था दोस्तों कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, जो हाल ही में अभी नए नियुक्त तो हुए हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था दोस्तों, बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है दोस्तों। तो हमारे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। इससे पहले दोस्तों विद्यासागर राव थे दोस्तों, अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने भगत सिंह कोश्यारी। तो महाराष्ट्र के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है दोस्तों। मुंबई दोस्तों रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया और सेबी का मुख्यालय, ये सारी चीज़ें मुंबई में हैं। उसी हिसाब से दोस्तों रासायनिक नगरशाला पुणे में स्थित है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? अब जब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में दो चार फैक्ट्स हमें याद, बहुत सारे फैक्ट्स हमें याद रखना जरूरी है दोस्तों। स्टैटिक जीते का क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो तमाशा और लावणी। और गणेश उत्सव जो पूरे भारत में मनाया जाता है, उसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई थी दोस्तों। पहला राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें होती है दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अगर नंबर आता है तो महाराष्ट्र का दोस्तों, महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र से कुल लोकसभा की सीटें होती है 48। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखना। और महाराष्ट्र के नए सीएम बन चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं पुलिस भर्ती के लिए नया वीडियो मराठी में लेके आने वाला हूँ। अभी हाल ही में पुलिस भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे जो पुलिस भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आर्मी भर्ती के साथ साथ पुलिस भर्ती का भी एक वीडियो नया मिल जाया करेगा। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्पेस कमांड लॉन्च किया है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य ने अपना स्पेस कमांड लॉन्च किया है? तो स्पेस कमांड लॉन्च किया दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो अभी के राष्ट्राध्यक्ष है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और यूएसए की राजधानी है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी। डीसी का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया। और साथ ही यहाँ का जो रुपया दोस्तों वो है डॉलर। और स्पेस कमांड का नाम है दोस्तों स्पेस कून, स्पेस कून। इतने फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया गया? ये हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया दोस्तों, तो ये बनाए अहमदाबाद में, गुजरात में, अहमदाबाद में ये बनाया दोस्तों। तो हमें थोड़ा गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। अगर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में बना है तो भारत में अहमदाबाद में बना है दोस्तों। क्रिकेट का जो स्टेडियम जो 700 करोड़ की लागत से बनाया गया है और 630 एकड़ में, 630 एकड़ में, एकड़ ज़मीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम बनाया गया दोस्तों। तो गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गुजरात के सीएम है अभी हाल ही में विजय रूपानी और वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और साथ ही गुजरात के बारे में एक फैक्ट बता दूँ दोस्तों, तो गुजरात में फर्स्ट डायनासोर पार्क अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है दोस्तों गुजरात में जो स्टेडियम बनाया गया है, भारत सरकार ने किसे यूएई के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने दोस्तों पवन कुमार, पवन कुमार को यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, पवन कुमार को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है यूएई में। उसी हिसाब से दोस्तों पाकिस्तान में इंडिया के जो एम्बेसडर है राजदूत, वो है अजय बिसारिया। पाकिस्तान में जो इंडिया के एम्बेसडर है राजदूत है वो है अजय बिसारिया। और इंडिया में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है राजदूत है, उनका नाम है मोइन अखक, मोइन अखक। यूएई के बारे में बता दूँ दोस्तों, तो यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया, जो यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार है। और साथ ही साथ दोस्तों दुबई एयरपोर्ट ने इंडिया की करेंसी को अलाउ करने वाला विश्व का प्रथम एयरपोर्ट बन गया है। यूएई का जो दुबई एयरपोर्ट है दोस्तों, वो इंडिया की करेंसी अलाउ करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
और यूएई के बारे में बात की जाए तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, राजधानी वहाँ की अबू धाबी है, और करेंसी है दिरहम, और वहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नियान। इतने फैक्ट आपको यूएई के बारे में याद रखना है। और साथ ही साथ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ऑर्डर ऑफ जायद जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो 10% आरक्षण देने का फैसला किया दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने। जो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है दोस्तों वो है भूपेश बघेल, वहाँ के गवर्नर है दोस्तों अनुसुईया उइके। और साथ ही साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूँ तो भारत का पहला कचरा कैफे छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल के नए राज्यपाल कौन बने दोस्तों? ये आज का सवाल है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों। और साथ ही जो केरल के नए राज्यपाल है, जो आज का सवाल है दोस्तों, इसका कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए दोस्तों। हमारे ऑप्शन दोस्तों पी सदाशिवम, पी विजयन, विद्यासागर राव या आरिफ मोहम्मद खान। आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं कल कल जब अपना नया वीडियो स्टार्ट करूंगा तो उसका पहला क्वेश्चन यही होगा दोस्तों, केरल के नए राज्यपाल कौन है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि दोस्तों, गुड नाइट।